हे हाय, अभी रिसेंटली बॉट रोकर्स 330 नेगमेंट लॉन्च किए गए। कंपनी ने काफ़ी कुछ क्लेम किया। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो बताया गया यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग, मतलब 10 मिनट्स में 10 आवर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। टोटल मिला के 30 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको 10 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, अप टू 30 आवर्स बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। मेटेलिक मैग्नेटिक ईयरबड्स प्रीमियम सिलिकॉन बिल्ट यहाँ पर बताया गया है। ड्यूल पेयरिंग ऑप्शन दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आते हैं। लो पावर कंजप्शन चिपसेट यहाँ पे दिया गया है। IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं। फ्लैश एंड स्वेट प्रूफ है। टाइप से आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये नेकबैंड आपके लिए कैसे हो सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं, ओवर आपको मैं लुक भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड है, R लिखा गया है। आपको बटन्स की बात करता हूँ, ऊपर आपको यहाँ पे एक सिंगल बटन दिया गया, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं। और ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया, जो कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी बटन नहीं दिया गया, पूरा यहाँ पे आपको फ्लैट बटन मिल जाता है। अगर मैं इस ईयर टिप्स की बात करता हूँ, ईयरबड्स की बात करता हूँ, हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिल जाएगा। बोट के नॉर्मली आपको सिमिलर डिज़ाइन काफ़ी सारे नेकबैंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक और चीज़, इसके जो मैग्नेटिक बड्स है उसको आप कैसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स कंट्रोल्स में इसका कुछ भी लेन देना नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर मैं एसेसरीज़ की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी बुरी दी गई है। एडिशनली आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं। लॉन्चिंग ऑफर जब मैं इसको परचेज किया था, इसकी जो प्राइस थी वो अप्रॉक्स 1300 रुपये थी। हाँ, एट प्रेजेंट अपडेटेड प्राइस, बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पर बटन दिया गया। अब इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फ़ोन के आप जब ब्लूटूथ में सर्च करोगे, यहाँ पे रोकर्स 330 आ जाएगा, वहाँ पे टैप कर दीजिएगा। पेयरिंग ऑप्शन आ गया, पेयर पे टैप कर दीजिए। और अगर मैं ब्लूटूथ ऑडियो कडेक की बात करता हूँ, SBC तो दिया गया, साथ में EEC भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेकबैंड की। तो यहाँ पे जो नेकबैंड का डिज़ाइन है, ईयर टिप्स वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, ईयर हुक पैटर्न दिया गया, तो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। इवन इसके जो नेकबैंड पे जो बिल्ड क्वालिटी जो डिसेंट लगी है, एज पर प्राइस मैं इसको अच्छा ऑप्शन कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। और ये जो इन ईयर हुक वाला जो डिज़ाइन होता है, ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पे ग्रिप में कोई इशू नहीं आएगी, इवन पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। मैं ज्यादा शिकायत नहीं करूँगा, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वो लोग जो इसको जिम के अंदर वर्कआउट करते टाइम, रनिंग करते टाइम यूज़ करना सोच रहे, तो मैं कहूँगा उनके लिए तो सही ऑप्शन नहीं है। इसका जो बैटरी वाला सेगमेंट है, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है, ऊपर नीचे होता है, तो ये थोड़ा सा इरिटेट कर देता है नेक के ऊपर, बहुत ज़्यादा मूव करेगा। तो फॉर मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली रनिंग वर्कआउट, हैवी वर्कआउट वगैरह, उसके हिसाब से सही ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इसके गेमिंग डिपार्टमेंट की लेटेंसी की बात करता हूँ, तो आपको एक लाइव लेटेंसी टेस्ट गेमिंग सैंपल दिखा देता हूँ, खुद देखिए जज कीजिए। वैसे जो गेमिंग है, मैं SBC ऑडियो कोडेक पे खेलने वाला हूँ ताकि लेटेंसी थोड़ी कम मिल सके। तो चलिए देखिए लाइव गेमिंग सैंपल। तो आई थिंक आपने गेमिंग का आइडिया लगा लिया होगा। बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मुझे लेटेंसी थोड़ी सी हाई देखने को मिली है। गेमिंग में इजीली आप साउंड डिले नोटिस कर पाएंगे, इवन आप जब यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखोगे तो भी साउंड डिले थोड़ा सा नोटिस हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन नहीं है, बट एज पर प्राइस मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी रेंज की, तो यहाँ पर मुझे इशू देखने को मिला है। नॉर्मली 8 से 10 फीट की इसी डिस्टेंस पे घर के अंदर आपको थोड़ा बहुत साउंड में डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मुझे इशू देखने को मिला है। प्रॉपर कनेक्टिविटी रेंज आपको देके नहीं जा रहे, स्लाइटली बॉट को इस पर वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, एग्जैक्टली कॉलिंग में कैसा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे आपको मैं एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखाऊंगा, बहुत मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ देखिएगा, जज कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको मैं कैमरा की माइक की आवाज़ सुनाऊंगा, आप वहाँ से लाउडनेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इंडो कंडीशन में कैसा वर्क करता है, आउटडोर कंडीशन में कैसा वर्क करता है। इवन आउटडोर कंडीशन में ही इस बार जब मैं छत पे यहाँ पे कॉलिंग सैंपल बना रहा था, वहाँ पे हवा तेज़ चली, तो विंड एनवायरनमेंट कैसा वर्क करेगा, सबका आइडिया आप इजीली खुद देख के जज कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा, जज कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको कॉलिंग कैसी लगी है। तो पेश एक लाइव कॉलिंग सैंपल। दोस्तों, ये जो आज आप सुन रहे हो यहाँ पे, इसके कैमरा के माइक के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल में बोट रोकर 330 की आवाज़ इंडो कंडीशन में, जहाँ पे बिल्कुल ना केवल आवाज़ आ रही होती है, ऑफिस के अंदर आपको कैसे आवाज़ आगे देखने को मिलेगी, इसका आइडिया आपको इजीली लग जाएगा।
आगे बढ़ते चेक करते हैं विंड इन्वायरमेंट कैसा वर्क करने वाला है। तो भैया अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, आउटडोर कंडीशन आ जाएंगे, अब आपको लाउडनेस क्लियरिटी कैसे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक सैंपल सफिशिएंट है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे था, आपने खुद ने जज कर लिया होगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कॉलिंग सैंपल कैसा लगा और आपको क्या लगता है बोट 330 कॉलिंग के हिसाब से सही है या फिर आपको कोई दूसरा नेकबैंड परचेज करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ पे आवाज़ में क्लियरिटी देखने को नहीं मिली, इवन जो आपकी नेचुरल टोन होती है माइक आपकी आवाज़ को काफ़ी थिन कर देता है, थोड़ी जो आवाज़ है पतली आगे जा रही है, तो ये इशू देखने को मिला है। बट अच्छी चीज़ की आपको आवाज़ में लाउडनेस देखने को मिल रही है और हाँ नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल भी वर्क करता नज़र मुझे तो नहीं आया है। बाकी आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअल में म्यूज़िक में कैसा परफॉर्म करता है। बाकी के कंट्रोल्स के तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड ऊपर तरफ ये मेन फंक्शन बटन दिया गया, आप उसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे सॉन्ग प्ले पॉज हो जाएगा। डायरेक्टली आप कॉल को आंसर कट इसके थ्रू कर सकते हैं। एडिशनल पीछे आपको वॉल्यूम कीज़ दिए, इनके थ्रू आप इजीली वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एडिशनल हम वॉल्यूम कीज़ को प्रेस कर होल्ड करके होंगे तो नेक्स्ट एंड सॉन्ग प्रीवियस दोनों ही प्ले आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे कंट्रोल दे दिए गए। बात करते हैं ड्यूल पेयरिंग की, आप ड्यूल पेयरिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो करना क्या होगा, पहले आपको आपके जो फोन का ब्लूटूथ जिसको पहले पेयर कर चुके हो ऑफ कर दीजिए। अगर आप अपने दूसरे फोन में ब्लूटूथ में सर्च करोगे तो आपको रोकर्स 330 मिल जाएगा, वहां जाके पेयर कर लीजिएगा। तब ये दूसरे डिवाइस से पेयर हो चुका है तो मतलब वापस से अपने पुराने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए जिसे पहले आप पेयर कर चुके थे। तो अब आप देखोगे तो दोनों फोन्स के अंदर बोट रोकर्स 330 यहाँ पे पेयर हो चुके हैं। बट मेरा डाउट है या फिर आप कह सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस है, आप खुद यहाँ पे बताना कि अगर आपको फील हुआ है नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी 2021 के अंदर बॉट के जो जितने भी नए नए नेकबैंड वगैरह लॉन्च हो रहे हैं उनमें फोकस किया जा रहा है बैटरी बैकअप के ऊपर। जी हाँ, अब आपको 30 आवर्स 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, बट यहाँ पे जो ड्राइवर्स की क्वालिटी है वो अब इतनी अच्छी नहीं दी जा रही जितनी पुरानी देखने को मिल जाती थी। स्पेसिफिकली जो बॉट की 255 सीरीज थी, बॉट 255 255F 255 प्रो, इनके ड्राइवर्स मुझे बेटर लगते थे। अब यहाँ पे जो नए नए नेकबैंड लॉन्च किए जा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग ड्राइवर्स की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, फोकस बैटरी बैकअप पे फास्ट चार्जिंग पे दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताना कि क्या आपको सेम चीज़ फील हो रही है अगर आपने बोट के पुराने नेकबैंड यूज़ किए और कोई नया नेकबैंड आप यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मैं अकेले चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों का साथ सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, क्वालिटी एक डिसेंट कह सकते हैं क्योंकि लॉन्चिंग ऑफर में को 1300 मिल गए, तो 1300 के हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। लाउडनेस की बात करता हूँ, सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाउडनेस थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाउड नहीं थे। आप इजीली घर के अंदर या फिर लाइट ट्रैफिक के अंदर भी म्यूजिक सुन पाएंगे, इवन जो बाहर की आवाज़ है वो भी थोड़ा बहुत ब्लॉक करते हैं क्योंकि ईयर टिप्स वाला डिज़ाइन दिया गया है। तो यस, यहाँ पे बाहर की आवाज़ भी काफ़ी कम सुनाई दे रही थी, तो कुछ एडवांटेज डेफिनेट देखने को मिल जाएंगे। म्यूज़िक की बात करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे मान के चलिए टोनी कक्कर को सुनते हैं, अभी 2020-21 के हनी सिंह को सुन रहे हैं, एमी बंटाय को सुन रहे हैं, जहाँ पे फ्लैट सॉन्ग भी विथ बीट्स आपको अच्छा लगने लग जाता है, तो एक सही ऑप्शन हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा बेस देखने को नहीं मिल रहा था। एक मैंने चीज़ जो बार बार नोटिस की है वो ये कि एग्जैक्टली ट्राई किया गया ट्रेबल को बूस्ट करने का। सिंगर की जो आवाज़ होती है, मान के चलिए वो इस पिच पे गा रहा है तो भी आपको यहाँ पे एक हाई पिच पे सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी, और कई बार चीज़ें रिवर्स हो रही थी। अगर आप सिर्फ रैप सुनना चाहते हैं, आपको बैकग्राउंड में बीट्स वगैरह पसंद है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, रो आपको काइंड ऑफ बेस देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको म्यूजिक के इमोशंस को फील करना होता है, मान के चलिए बीपरा को सुनते हैं, अरिजीत सिंह को सुनते हैं, सोनू निगम को सुनते हैं, फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स के काफ़ी तरह के जोनर्स को सुनते हैं, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, इवन इंडिया की बात करता हूँ पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं, राजस्थानी, हरियाणवी, बहुत तरह के सॉन्ग हम सुनते हैं। तो अगर आपको म्यूजिक इमोशंस फील करने होते हैं तो मैं कहूँगा आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली हो क्या रहा था, सिंगर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बैकग्राउंड में बीट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक इंस्ट्रूमेंट की सुनाई आवाज़ दी जाएगी, बट अगर बैकग्राउंड में 10 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो मुश्किल से 4-5 आप यहाँ पे फील कर पाओगे। बच्चे भी जो 5 है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब आप यहाँ पे इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, वो आपको इतना सुनाई नहीं देगा। तो ओवरऑल बात करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे फ्लैट सॉन्ग सुनोगे जहाँ पे बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको सही एक्सपीरियंस लगेगा, बट अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे सॉन्ग सुनोगे जहाँ पे बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बज रहे हैं, सिंगर की आवाज़ में इमोशंस है, एक दर्द है, तो वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, सिर्फ एक फ्लैट म्यूजिक एक्सपीरियंस दिया गया है। बट एज पर मैं प्राइस की बात करता हूँ क्योंकि 1300 रुपये प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके हिसाब से मैं इसको 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूँ।
और हम डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या ये बेटर है बोट रोकर्स 255 प्रो प्लस से बोट 335 से। तो आपको मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तो जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बेटर है बोट रोकर्स 255 प्रो प्लस से, आपको ज्यादा बेस देखने को मिल जाएगा। इवन बोट 335 से आपको ब्लूटूथ इंटरकनेक्ट के अंदर एपीटेक्स दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ SPC AAC देखने को मिलता है, तो यहाँ पे स्लाइटली म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको बेटर इनका लगेगा। बट सेम चीज कहूंगा, बैलेंसिंग में मुझे दोनों में ही इशू देखने को मिला था। हाँ, अगर मेरे को बोट के नेकबैंड को चूज करना, तो आई थिंक बोट 255 प्रो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, देन आप बोट 335 के लिए जा सकते हैं, देन बोट 330, लास्ट बट नॉट लीस्ट बोट 255 प्रो प्लस आप रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर वाइज आपको बता दिया है, आई थिंक मैंने भी यहाँ पे सारे सेगमेंट कवर अप कर दिए। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिट की, क्या 1300 रुपये फिर बिलो 15 रुपीज आपको ये नेकबैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला है, तो कॉलिंग की अगर आपकी प्रायोरिटी है तो मैं कहूँगा रिकमेंड मत करना। अगर आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप चाहिए, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, थोड़े ड्यूरेबल हो सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे जिम के साथ यूज़ करना सोच रहे हैं तो इतना सही ऑप्शन नहीं है। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको खुद को भी आइडिया लग गया होगा, एट द एंड पैसा आपका है, आप अपने खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट ये नेकबैंड फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। आज का ओवरऑल वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, यूजफुल लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड मुझे आपका प्यार एंड सपोर्ट उसी के थ्रू मिलता रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक तो मिलेंगे, साथ में इसका अपडेटेड प्राइस लिंक में मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।